गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सातवां पाठ पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, छः पंक्तियाँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और जिसको भी नहीं समझ में आया होगा, वो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी न समझ में आए, उसको बार बार चला के आप समझेंगे। और डेली आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, इसको आप अपने कॉपी में कंप्लीट भी करते चलेंगे। और ऐसा नहीं करना है कि वीडियो चला के आप बस वही जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। आप वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर वीडियो को बंद करके आप अपनी बुक से आपको कितना समझ में आया उसको आपको लिखना है। आपको अपना दिमाग भी वहाँ पर चलाना है, ठीक। तो आज मैं, कल मैंने थोड़ा ही पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ पर कई तरीके के भाव निकल रहे थे, दो अर्थ लेकर आ रही थी पंक्तियाँ, तो इसीलिए मैंने कल आपको थोड़ा ही पढ़ाया। तो थोड़ा थोड़ा मैं करके ही पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आता चले, नहीं तो पता लगा एक दिन में एक चैप्टर समाप्त और आपको समझ में भी ना आए। तो आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आपुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भामों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सा प्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। ठीक। तो अब इसका जो आपको संदर्भ लिखना है, मैंने आपको कल भी बताया था कि संदर्भ कैसे लिखना है, कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के दान नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक। तो ये आपका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रसंग में आपको लिखना है कि दान का ढोंग, ठीक, ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दान का ढोंग करने वालों पर व्यंग किया है। ठीक। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने दान का ढोंग करने वाले, ठीक, जो देंगे थोड़ा और दिखाएंगे अपने आप को बहुत ज्यादा, ठीक, तो इस तरीके का जो दान करने वाले लोग हैं, तो उन पर क्या किया है, जो दान का ढोंग करते हैं उन पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। ठीक। तो अब देखते हैं। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आपुल पर खड़ा हुआ। देखिए, अब यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि मैं प्रातः, निराला जी खुद कह रहे हैं, कवि खुद कह रहा है कि मैं प्रातः काल, पर्यटनार्थ मतलब होता है घूमने के लिए, कह रहे हैं कि प्रातः काल मैं घूमने के लिए चल पड़ा, लौटा, तो कह रहे हैं कि फिर थोड़ी देर के बाद मैं वापस लौटा, आप पुल पर खड़ा हुआ। तो वहाँ पर एक जो पुल बना था नदी पर, तो कह रहे हैं कि वहाँ पुल पर आकर मैं खड़ा हो गया, सोचा विश्व का नियम निश्चल। ठीक। अब कवि वहाँ पर कह रहा है कि मैं खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि विश्व का नियम निश्चल, कि इस संसार के सभी नियम क्या हैं, निश्चल मतलब अटल हैं। ठीक। इस संसार के सभी नियम अटल हैं, और जो जैसा उसको वैसा फल, ठीक, देती यह प्रकृति स्वयं सदया। ठीक। अब देखिए, दूसरी पंक्ति से भाव लेंगे यहाँ पर कि देती यह प्रकृति स्वयं सदया, कह रहे कि जो यह प्रकृति क्या करती है, मनुष्यों को, प्रकृति मनुष्यों को सदया मतलब दया भाव से, ठीक, कह रहे कि प्रकृति दया भाव से मनुष्य को क्या करती है, जो जैसा, कह रहे कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देती है। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक। चलिए,
अब आगे कह रहे कि सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध भाषा भामों के छंद बंध और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दानवेशा प्रयास या अनायास आते हैं सब सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि सौंदर्य यहाँ पर कवि कह रहा है कि सुंदरता गीत बहुत सारे रंग वर्ण मिस रंग और क्या है गंध मतलब जो सुगंध है और भाषा भावों मतलब भावों को मतलब भावों मतलब मनोभावों को ठीक मन के भावों को क्या करता है छंद बंध छंद छंदों में बांधना। ठीक कह रहे हैं कि सुंदरता गीत बहुत सारे रंग सुगंध भाषा मनोभावों को छंदों में बांधना और भी उच्चतर जो विलास और कह रहे हैं कि क्या है कि और भी उच्चतर जो विलास कह रहे हैं कि और भी जो ऊंचे ऊंचे भोग विलास हैं जो सुख सुविधाएं हैं वो मनुष्यों को क्या है प्राप्त हैं कैसे प्राकृतिक दान वे। ठीक कह रहे हैं कि वो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दान में मिला हुआ है। ठीक प्रकृति के द्वारा वो चीजें मनुष्य को दान में मिली हुई हैं तो अब कैसे मिली हैं सप्रयास कह रहे हैं कि या तो मनुष्य ने क्या किया है अपने परिश्रम से उसको प्राप्त किया है सा प्रयास। ठीक मनुष्य ने उसको क्या किया है अपने परिश्रम से प्राप्त किया हो या अनायास आते हैं सब या बहुत सारे मनुष्य होते हैं कि उनको बिना कुछ परिश्रम किए हुए ही क्या होता है ये सारी सुख सुविधाएं जो आपका सौंदर्य गीत बहुत सारे रंग सुगंध भाषा मनोभावों को छंद बंधों में बांधना। ठीक ये जितनी भी सारे ऊंचे ऊंचे भोग विलास सुख सुविधाएं जो हैं ये मनुष्य कुछ मनुष्य होते हैं कि वो अपने परिश्रम से साप्रयास अपने परिश्रम से उसको प्राप्त करते हैं या अनायास आते हैं सब या बहुत सारे मनुष्य को क्या करते हैं बिना किसी प्रयास के बिना किसी परिश्रम के ही वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक फिर कह रहा है सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव तो कवि कह रहा है फिर भी इन सभी कह रहा है कि इन सब में मनुष्य ही क्या है श्रेष्ठ है और सौभाग्यशाली है। क्यों क्योंकि जो चीजें प्रकृति से भी प्राप्त होती हैं तो मनुष्य को ये भी लगता है कि मैंने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है जो कि प्रकृति ने उन्हें क्या किया है दान के रूप में मनुष्य को उपलब्ध कराया है मनुष्य को दिया है लेकिन फिर भी मनुष्य उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है तो इसीलिए कवि कह रहा है कि ऐसे मानव क्या हैं श्रेष्ठ हैं और सौभाग्यशाली हैं। ठीक फिर कह रहे हैं कि फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर एक ओर पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास जीता जो जीवन से उदास धोता जो वह कौन सा साप भोगता कठिन कौन सा पाप यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। ठीक अब देखते हैं आपको उसी में आगे कंटिन्यू इसकी व्याख्या लिखनी है। ठीक तो फिर देखा उस पुल के ऊपर कवि कह रहा है कि थोड़ी देर बाद मैं उस पुल के ऊपर देखा तो बहुसंख्यक बैठे हैं बानर कह रहे हैं कि बहुत सारी संख्या में बहुत सारे बंदर वहां पर क्या हैं पुल के ऊपर बैठे हुए हैं और एक और पंथ के कह रहे हैं कि और रास्ते के दूसरी तरफ सॉरी एक और कह रहे हैं कि रास्ते के एक तरफ क्या है कृष्णकाय कृष्ण मतलब क्या होता है काला सांवला। ठीक काय मतलब काया शरीर कह रहे हैं कि काले शरीर से युक्त कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय क्या है कि एक ऐसा मनुष्य बैठा है एक ऐसा मनुष्य बैठा है कैसा है कंकाल मतलब उसका शरीर क्या है ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है केवल वो कंकाल मात्र ही क्या है हड्डियों का ढांचा मात्र ही वह रह गया है और नर मृत्यु प्राय और वो क्या है वह ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल समीप है। ठीक मृत्यु उसकी बहुत समीप है तो ऐसी स्थिति में एक काले शरीर वाला व्यक्ति वहां पर क्या है बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल कह रहे हैं कि वह दीन
मतलब दुखी और दुर्बल कमजोर शरीर वाला व्यक्ति एक वहां पर बैठा हुआ है। ठीक, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और वह भिक्षा प्राप्त करने के लिए बीच बीच में क्या करता है, अपने दृष्टि को ऊपर उठाता है। ठीक, वह या निश्चल मतलब क्या होता है, अटल मतलब अपनी दृष्टि को क्या करता है, एकटक लगाकर भिक्षा के लिए अपनी दृष्टि को ऊपर उठाकर एकटक देखता है। फिर अतिक्षीण कंठ है तीव्र श्वास, अब वह व्यक्ति कैसा है, अतिक्षीण कंठ है तीव्र श्वास मतलब कह रहे हैं कि भूख, मतलब उसको वह व्यक्ति भूखा है और भूख से क्या है उसकी, उसका जो कंठ है गला है वह भी क्या है क्षीण, बहुत ही कमजोर है, और तीव्र श्वास और उसकी सांसें बहुत तेजी तेजी से चल रही हैं। ठीक, फिर जीता जो जीवन से उदास। ठीक, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह जीवन से क्या है बहुत उदास हो गया है। ठीक, क्या है जीवन से उदास, वह जीवन से बहुत उदास हो गया है और फिर भी क्या कर रहा है जी रहा है, मतलब जीवन से उदास होकर भी वह क्या कर रहा है व्यक्ति जी रहा है। ठीक, और धोता जो वह कौन सा साप, कह रहे हैं कि आखिर उसको ऐसा कौन सा साप, ऐसा कौन सा श्राप मिला हुआ है कि जिसको वह इस जीवन में धो रहा है, उसका बोझा उठा रहा है। ठीक, भोगता कठिन कौन सा पाप, और उसने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि जिसका वह भोग कर रहा है, वह बैठकर यहाँ पर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है या पाप भोग रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है उसके साथ, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, करें कि उसी मार्ग पर जहां पर वह बैठा हुआ है उसी मार्ग पर इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में चलते हैं और फिर भी क्या होता है उसका उत्तर किसी के पास नहीं होता, पर सदा मौन इसका उत्तर, कह रहे हैं कि फिर भी उसके पास किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। और फिर क्या होता है, जो बड़ी दया का उदाहरण, कह रहे हैं कि रास्ते पर चलते हुए अगर कोई व्यक्ति किसी को भी अगर उसके ऊपर दया आ जाती है तो केवल एक ही उपाय है कि लोग उसके सामने पैसे फेंक देते हैं, मतलब भिक्षा के रूप में उसके सामने पैसा फेंक देते हैं, यही इसका एक उपाय लोगों के मन में आता है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो आपको कल मैंने बताया था कि जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, भाषा क्या है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, और रस कल हमने बताया था आपको रस भी, तो जो कल बताया था मैंने उसमें आपको बताया था कि श्रृंगार और शांत रस थे, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस नहीं है, यहाँ पर क्या है शांत रस है, और क्या बोलते हैं वो अलंकार, हाँ अलंकार क्या है यहाँ पर अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पर आपको मिलेगा, और शैली, शैली भी कल मैंने आपको बताया था, शैली कौन सी है वर्णनात्मक शैली, यहाँ प्रतीकात्मक शैली नहीं है, यहाँ प्रतीक के रूप में कोई चीजें नहीं ली गई हैं, तो यहाँ पर क्या है वर्णनात्मक शैली होगी। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, जिस भी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आएगा तो वो क्या करेगा, वीडियो को एक दो बार जरूर देखें और आराम से समझ में आएगा, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में हमें भेजेगा, मैं उसका सलूशन जरूर आपको बताऊंगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दूरवा दल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर देख कर चले तत्पर वानर, द्विजराम भक्त भक्त की आस, भजते शिव को बारहों मास, कर नारायण का पारायण, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते सनात, कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वा भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। ठीक,
अब यहां पर भी संदर्भ तो वही होगा जो इसके पहले पद्यांश में था। अब यहां पर लेकिन आप क्या करेंगे, अभी बार बार जितने भी पद्यांश पढ़ रहे हैं वहां बार बार आप संदर्भ लिखेंगे, ताकि संदर्भ प्रसंग ये लिखने की आपकी आदत बन जाए। ठीक, फिर उसके बाद में आप चाहे कोई चैप्टर शुरू हो उसमें एक बार संदर्भ लिखकर फिर प्रसंग और व्याख्या करते चले जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में क्या करेंगे आप इसको बार बार लिखेंगे, जितने भी पद्यांश करेंगे वहां पर आप उसकी व्याख्या करेंगे, संदर्भ लिख के प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद काव्य सौंदर्य। ठीक, चलिए तो यहां पर भी संदर्भ वही होगा और प्रसंग भी आपका बदला नहीं, प्रसंग भी आपका वही होगा कि दान का ढोंग करने वालों पर क्या किया गया है, यहां पर व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। ठीक, अब देखिए, मैंने झुककर नीचे नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। अब यहां पर निराला जी कह रहे हैं कि मैं वहां पर पुल पर खड़ा था तो नीचे देखा तो मुझे थोड़ी सी, मेरे मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी कि आखिर ये जो दुबला पतला काले शरीर वाला जो व्यक्ति मतलब जिसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक है उसको मिले, खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो वही निराला जी कह रहे हैं कि मैंने पुल से नीचे झुक कर देखा तो झलकी आशा की रेखा, तब मुझे मेरे मन में थोड़ी सी क्या हुई, उम्मीद जगी। ठीक, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूर्वा दल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर। देखिए, विप्रवर, वर मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ, विप्रवर मतलब होता है, विप्र मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, कहने की एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, और जो क्या है अंधविश्वासी है, जो क्या है अंधविश्वासी है, तो कह रहे हैं कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण क्या किया, नदी में स्नान किया, स्नान कर चढ़ा सलिल, कौन सी नदी थी, गोमती नदी थी। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि गोमती नदी में स्नान करके चढ़ा सलिल, और क्या किया, सलिल मीन्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्लास 3-4 से ही आपको पर्यायवाची पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, तो वहां पर आपको कई बार बताया जाता है, और शायद वो पर्यायवाची बार बार अभी भी चाहे आप लोग पढ़ते हो। ठीक, तो सलिल मीन्स क्या होता है, जल, जो पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो सलिल मीन्स क्या होता है, जल, तो कह रहे हैं कि वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो क्या किया, नदी में, गोमती नदी में स्नान करके जल चढ़ाया, फिर क्या किया, शिव पर दूर्वा दल, किसके ऊपर, शिव के ऊपर, मतलब शिव की मूर्ति थी या शिवलिंग रहा होगा, मंदिर थी, कुछ भी रहा होगा, तो वहां पर जल चढ़ाया, फिर दूर्वा दल, दूर्वा दल मतलब क्या होता है, अब जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जुड़े होंगे उनको तो एक बार में समझ में आ जाएगा दूर्वा दल, लेकिन जो सिटी से बच्चे जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये एक प्रकार की घास होती है, क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है जो पूजन सामग्री की श्रेणी में भी आती है, जिसको आप लोग बोलते हैं दूब, क्या होती है वो घास है, दूब घास होती है, तो वही दूर्वा दल, तो कह रहे हैं कि दूब घास, तंडुल, तंडुल क्या होता है, चावल। ठीक, तंडुल मीन्स क्या होता है, चावल, कह रहे हैं कि चावल, तिल, तिल तो सभी लोग जानते हैं। ठीक, तिल, और ये सब क्या किए, स्नान करके, मतलब जल, घास, दूब घास और चावल, तिल, ये सब क्या, ये सब सामग्री शिव के ऊपर चढ़ाकर लेकर झोली आए ऊपर, तो वो ब्राह्मण क्या किए, वो अपनी इतना काम करने के बाद झोली लेकर पुल के ऊपर आ गए। ठीक, फिर देखकर चले तत्पर वानर, तो वहां पर जो पुल पर बहुत सारे बंदर बैठे थे, तो वो उस ब्राह्मण को देखकर सब वहां पर, सभी वानर बंदर उनके पास आ गए। अब द्विजराम भक्ति, भक्ति की आस, द्विज, द्विज भी क्या होता है, द्विज भी क्या होता है, ये भी पर्यायवाची शब्द है, किसका, ब्राह्मण का। ठीक, ब्राह्मण का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची भी होता है द्विज। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए, पर्यायवाची, आपके हाई स्कूल में पर्यायवाची भी 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो द्विजराम भक्त, भक्त की आस,
द्विज मीन्स ब्राह्मण, कह रहे हैं कि वह ब्राह्मण क्या था, राम भक्त, राम का परम भक्त था और भक्ति की आस, और उसी भक्ति की आशा में क्या करता था, भजते शिव को बारहवो मास, और वह 12 महीने तक, मतलब पूरे 12 महीने वो क्या करता है, शिव की भक्ति करता है, शिव की आराधना करता है। और कर नारायण का पारायण, और प्रतिदिन रामायण का पाठ करके, कर नारायण का पारायण, प्रतिदिन रामायण का पाठ करके जपते हैं श्रीमन नारायण, और क्या करते हैं, प्रतिदिन रामायण का पाठ करके जपते हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण मंत्र का जाप भी करते हैं, मतलब इस प्रकार के वो ब्राह्मण हैं। फिर क्या होता है, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। ठीक, कह रहे हैं कि अब वो ब्राह्मण क्या करते थे, प्रतिदिन का उनका काम था, उनका प्रतिदिन का ये काम था कि नदी में जाके स्नान करना, शिव के ऊपर पूजन सामग्री अर्पित करना, ठीक इस तरीके का उनका प्रतिदिन का काम था। और क्या करते थे, दुख पाते जब होते अनाथ, करें कि जब उन ब्राह्मण को क्या होता था, दुख प्राप्त होता था, जब दुख होता था, और जब होते अनाथ, और जब असहाय होते थे, तो कहते कपियों के जोड़ हाथ, तो करें कि उन बंदरों के सामने, उन बंदरों के सामने हाथ जोड़कर यही कहते थे कि मेरे कष्टों को दूर करो। ठीक, वो उन बंदरों के सामने जब वो दुखी होते थे, असहाय हो जाते थे, तब बंदरों के सामने हाथ जोड़कर यही कहते थे कि मेरे दुखों को दूर करो। मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। अब यहाँ पर निराला जी बता रहे हैं कि जो वो ब्राह्मण थे उनके बारे में बता रहे हैं। निराला जी कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन, कह रहे हैं कि वो जो ब्राह्मण थे, जो सज्जन व्यक्ति थे, वो मेरे पड़ोस के ही थे। ठीक, और करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। मज्जन मतलब क्या होता है, मज्जन मीन्स आपको पर्यायवाची शब्द बहुत सारे पता होना चाहिए। ठीक, मैं तो बता रहा हूँ, सरिता मीन्स भी पता होना चाहिए जो नदी का पर्यायवाची है, लेकिन मज्जन मीन्स क्या होता है, मज्जन मीन्स होता है स्नान करना। ठीक, तो कह रहे हैं कि करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, और कह रहे हैं कि प्रतिदिन क्या करते थे, नदी में, गोमती नदी में स्नान करते थे। ठीक, तो वो उनके बारे में निराला जी बताए। अब कह रहे हैं कि झोली से पुए निकाल लिए। अब जब वहां बंदरों के पास वो ब्राह्मण पहुंच गए, तो अपनी झोली में क्या लिए थे, पुए लिए थे। पुआ तो जानते ही होंगे सब लोग, ठीक, पुआ जानते हैं। तो कह रहे हैं कि झोली से पुए निकाल लिए। अब वो ब्राह्मण क्या किए, बंदरों को देखकर अपनी जो झोली लिए थे या जो भी लिए थे उसमें से क्या किए, पुए निकाल लिए, और बढ़ते कपियों के हाथ दिए। तो जो बंदर उनके सामने जो आगे बढ़ रहे थे, तो उन बंदरों के को अपने हाथों से दे दिया, बंदरों के हाथों में दे दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। इतर मतलब होता है दूसरी तरफ। ठीक, तो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जिस तरफ वह काले शरीर वाला भूखा, जिसकी सांसें तेज चल रही थी, जो मृत्यु के बिल्कुल नजदीक था, उसकी तरफ वह ब्राह्मण महोदय, वह अंधविश्वासी ब्राह्मण क्या किया, उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। फिर क्या हुआ, चिल्लाया किया दूर दानव, और वो ब्राह्मण क्या किया, बंदरों को खिलाने के बाद कह रहा है कि चिल्लाया किया दूर दानव। दानव मीन्स यहाँ पर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ठीक, दानव मीन्स यहाँ राक्षसी प्रवृत्तियां। तो वो बंदर, वो ब्राह्मण बंदरों से कहता है कि आपने क्या किया, मुझे राक्षसी प्रवृत्तियों से क्या किया, छुटकारा दिला दिया। तो इतना देखकर निराला जी बहुत दुखी हो गए। कवि वहां पर इतना देखकर वो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसको एक आशा थी कि अब इस भिक्षु को, इस भिखारी को खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहां पर क्या किया, निराला जी काफी दुखी हो गए, तो उनके मुख से अनायास ही ये वर्ड निकल आया, ये वाक्य निकल आया कि बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि मेरे मुख से अनायास ही ये निकल आया कि ऐसे मानव क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर व्यंग किया जा रहा है कि जो ऐसे मानव हैं, धन्य है ये मानव, वही मानव श्रेष्ठ है। ठीक, तो अब यहाँ पर ऐसा निराला जी ने क्यों कहा, निराला जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ईश्वर, ईश्वर की बनाई हुई,
अगर सबसे अच्छी रचना है तो वो क्या है? मानव है, वो क्या है? मनुष्य है। और उसी मनुष्य को आज बंदरों से भी तुच्छ समझा गया, जानवरों और पशुओं से भी तुच्छ समझा गया। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर निराला जी ये बोल रहे हैं कि धन्य हो श्रेष्ठ मानव। ठीक, तो और ये आप का आज दान चैप्टर समाप्त हुआ। अच्छा हाँ, अभी इसमें आपको काव्य सौंदर्य भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, काव्य सौंदर्य में शांत रस होगा, ठीक, और अनुप्रास अलंकार है, और शैली कैसी है यहाँ पर, व्यंग्यात्मक शैली है। शैली क्या है? व्यंग्यात्मक शैली है। भाषा तो जानते ही हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। ठीक, तो इस तरीके से आपका दान चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा सोहनलाल द्विवेदी, उन्हें प्रणाम, उन्हें प्रणाम। और जिस भी बच्चे को यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर समस्या होगी तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन, अपनी समस्याएं शेयर करेंगे। ठीक, तो आज हमने जितना पढ़ाया इसको आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सहित क्या करेंगे, होमवर्क को कंप्लीट रखेंगे।